इसरो आज अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास। सूर्य मिशन आदित्य L1 आज सूरज के हेलो ऑर्बिट L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इसरो का आदित्य L1 आज शाम 4 बजे L1 हेलो पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां से बिना किसी बाधा के सूर्य की स्टडी करना संभव होगा। आदित्य L1 में लगे खास इंजन को आज फायर किया जाएगा। इसके बाद उपग्रह हेलो ऑर्बिट में तय कक्षा में स्थापित हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फेयर और कोरोना के गतिशीलता का अध्ययन करना है। बंगाल के 24 परगना में हुए हमले पर ईडी ने बयान देते हुए कहा, रेड के दौरान 800 से 1000 लोगों ने हमला किया। ईडी का दावा, हत्या के इरादे से किया गया था हमला, लाठी पत्थर और ईंट से लैस थे हमलावर। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल लैपटॉप और कैश लेकर भागे हमलावर, गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। ईडी के 3 अधिकारी हमले में बुरी तरह से जख्मी। पीडीएस घोटाले को लेकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापा मारने पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी अधिकारियों पर हमले से बंगाल में सियासी उबाल, गौरव भाटिया ने कहा ममता मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ईडी पर हमले की जांच एनआईए से कराने की मांग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने गृहमंत्री को लिखा पत्र। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, सुकांत मजुमदार ने बोला राज्य में रोहिंग्या कानून व्यवस्था की उड़ा रहे हैं धज्जियां। हमले को लेकर सख्त गवर्नर सीवी आनंद, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया, रिपोर्ट मांगी। राज्यपाल सीवी आनंद ने कहा लोकतंत्र में बर्बरता रोकना सरकार का काम। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, कहा बंगाल में लोकतंत्र गायब, किम जोंग की सरकार है। ईडी टीम पर अटैक और उकसावे का नतीजा, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। टीएमसी के गुंडों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला किया, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का निशाना। पीएम मोदी आज डीजीपी और आईजी के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल, जयपुर में 7 जनवरी तक चलेगा कॉन्फ्रेंस। डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा और तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी बात होगी। पीएम मोदी ने जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की, विधायकों और राज्य के मंत्रियों को दिया 25 सीट जिताने का मंत्र। बीजेपी सत्ता संगठन की बैठक में पीएम ने गुड गवर्नेंस का मैसेज दिया, अहंकार त्यागने और सबसे पहले खुद को सुधारने को कहा। 35 साल बाद जयपुर बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2024 के रोडमैप पर चर्चा। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई किया, सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी की मौजूदगी में ऐलान किया। राजस्थान में भजन लाल सरकार में विभागों का बंटवारा, सीएम ने गृह आबकारी समेत 8 विभाग अपने पास रखे। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को वित्त, पर्यटन और महिला विकास की जिम्मेदारी। डेप्यूटी सीएम बैरवा संभालेंगे उच्च शिक्षा परिवहन समेत 4 विभाग। किरौड़ी लाल मीणा के पास कृषि आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर संभालेंगे उद्योग और वाणिज्य विभाग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी नेताओं के अयोध्या जाने को लेकर कर सकते हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलका लांबा को दी बड़ी जिम्मेदारी, महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस के क्लस्टर अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन करते नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कमेटी करेंगे काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लोकसभा चुनाव की करेंगे तैयारियों को लेकर बैठक, सभी मोर्चों के अध्यक्षों और प्रभारी होंगे शामिल। बीजेपी ने शुरू की हरियाणा में चुनाव की तैयारी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4:30 बजे पंचकुला में करेंगे रोड शो। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा में होंगे शामिल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को प्रमोशन मिला, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को फिर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया, साइन करवाने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई एप्लीकेशन। हरियाणा में कांग्रेस की ताकत बढ़ी, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज से शिव संकल्प अभियान शुरू करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत करेंगे 48 सीटों का दौरा। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले बगावत, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी से नाराज जेडीयू आरजेडी नेता, पटना के होटल में की मीटिंग। आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष गौतम सागर, लालू प्रसाद यादव के हाथों ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। बिहार में 4 सीटों के प्रस्ताव से नाखुश कांग्रेस, नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा बोले आरजेडी से बात करे कांग्रेस। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चल रही साजिश, मंत्री अशोक चौधरी का दावा, 9 जनवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन पर मंडराए संकट के बीच मीटिंग। विदेश नीति को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना बुनियादी गलती थी। एस जयशंकर ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से चर्चा के दौरान कश्मीर के साथ पाकिस्तान का भी जिक्र किया, कहा कश्मीर का ही इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया गया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दो दिनों के गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। दो दिन में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। गुजरात में 10 जनवरी से वाइब्रेंट ग्लोबल समिट गांधीनगर रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुआ। पुणे में बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने पुलिस अधिकारियों को जड़ा थप्पड़, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में मारा थप्पड़। एक समारोह के बाद मंच से उतरते वक्त लड़खड़ाए विधायक सुनील कांबले के कदम, गुस्से में पास खड़े पुलिस अधिकारी को मारा थप्पड़। ज्ञानवापी की एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को लेकर आज वाराणसी का कोर्ट सुना सकती है फैसला। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर आ सकता है आदेश। राजस्थान के कोटा में जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार। कोटा जंक्शन के पास दो कोच पटरी से उतरे। ट्रेन हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेपाल के जनकपुर से आज अयोध्या के लिए विशेष उपहार पहुंचेंगे। भगवान राम के लिए 1100 टोकरी में भरकर आया है सामान। तीन ट्रकों में 500 सदस्य उपहार लेकर पहुंचेंगे अयोध्या। मिथिला की संस्कृति से जुड़े होंगे उपहार। दिल्ली में संतों को दिया गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र। उदासीन आश्रम में संतों ने स्वीकार किया अयोध्या आने का निमंत्रण। बाबरी केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। कहा अयोध्या में भाईचारा बना हुआ है और आगे भी रहेगा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र में आंदोलन से जुड़े लोगों का उल्लेख। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कार्यक्रम का भी जिक्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने में जुटे कलाकार। ओवर ब्रिज के खंभों पर रामायण से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। मेरे घर राम आए हैं भजन सुनकर मंत्र मुग्ध हुए पीएम। सोशल मीडिया पर जुबिन नौटियाल और मनोज मुंतशिर की तारीफ की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अयोध्या और कोरिया के संबंध का जिक्र करते हुए कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया की निगाह। तिरुमाला तिरुपति देवदर्शन बोर्ड ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू किया। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में संगीत का आयोजन हुआ। अहमदाबाद से 450 किलो का नगाड़ा अयोध्या के लिए रवाना किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने नगाड़ा बजाकर रवाना किया। नगाड़े के साथ मंदिर के शिखर पर लगाने के लिए ध्वजा दंड भी अयोध्या रवाना। 4600 किलो का है पीतल का बना ध्वजा दंड। असम के कामरूप से लोगों ने अयोध्या भेजे 7000 बांस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दी भेंट। महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में राम भक्तों के लिए सीता रसोई में तैयार हो रहा है खाना और प्रसाद। 46 भोजनालय में किया जा रहा है खाने का इंतजाम। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हिंदुओं और सनातनियों की बड़ी जीत। बाबा बागेश्वर का बयान। भगवान राम पर दिए विवादित बयान पर अड़े एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाल। कहा मैंने कागज पन्नों के साथ कहा था, ऐतराज जताने वाले वाल्मीकि रामायण पढ़े। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाल के खिलाफ केस दर्ज। भगवान राम पर दिया था विवादित बयान। 15,000 करोड़ के महादेव बुक बेटिंग ऐप मामले में पहली गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नाम के शख्स को पकड़ा। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम। मुख्तार अंसारी के करीबी के अवैध कब्जे के खिलाफ आज भी होगी कार्रवाई। अस्पताल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल। पुणे के गैंगस्टर शरद मोहोल को चार अज्ञात लोगों ने मारी गोली। इलाज के दौरान अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस ने लुटेरे सरफराज की गोलीबारी के बाद उसे किया गिरफ्तार। एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद। नागपुर की रेड लाइट एरिया में पुलिस का छापा। एक नाबालिग समेत 31 लड़कियों को छुड़ाया गया। 15 महिला और पुरुष दलाल गिरफ्तार। नागपुर में चलती ट्रेन में किन्नरों ने मचाया उत्पात। 40 यात्रियों से लूटे रुपये। मारपीट भी की। पुलिस ने दो किन्नरों को पकड़ा। स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस का एक्शन। 100 करोड़ की संपत्ति सीज की। सहयोग काजल झा की दिल्ली प्रॉपर्टी भी सीज की। उत्तराखंड के खटीमा में मंदिर के महंत और एक अन्य शख्स की हत्या। लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दिल्ली के में कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित। कई ट्रेनें रद्द होने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आम लोगों की परेशानी बढ़ी। देशभर में कोरोना के 761 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 12 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,249 एक्टिव केस। 5 कोरोना पीड़ितों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 146 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 914 तक पहुंची। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव से दो दिन पहले भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने ट्रेन में लगाई आग। 4 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश में चुनाव से पहले विपक्ष के सैकड़ों नेता गिरफ्तार। शेख हसीना की मौजूदगी में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। ढाका में सड़क पर उतरे विपक्षी दल। लोगों ने रविवार को होने वाले संसदीय चुनाव के बहिष्कार की अपील की। विपक्ष ने की चुनाव से पहले पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। कहा मौजूदा सरकार के रहते निष्पक्ष चुनाव की गारंटी नहीं।
के जावा में दो ट्रेन में आमने सामने की जोरदार टक्कर, एक ट्रेन के ड्राइवर सहित चार क्रू मेंबर्स के मारे जाने की खबर। भारत की महिला टीम ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त, पहले टी20 में 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 142 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने 18वें ओवर में एक विकेट खोकर जीत लिया मैच। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने नाबाद 64 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 54 रन बनाए। जेमिया रॉड्रिक्स ने नाबाद 6 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए। 20वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिचफील्ड ने सबसे अधिक 49 रनों की पारी खेली। पेरी ने 37 रन बनाए। भारत की तरफ से तितास साधु ने सबसे अधिक 4 विकेट चटके। दीप्ति शर्मा और श्रेयांका पाटिल को 2-2 विकेट मिले। भारत की तितास साधु बनी प्लेयर ऑफ द मैच। तितास ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। 9 जून को होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर।